Hey, Kasa Kai YouTube, welcome to my channel Heavy Seller. और आज का व्लॉग थोड़ा सा अलग होने वाला है. आज है 21 मार्च और 22 मार्च जो कल इतवार संडे है वो अपने प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जनता कर्फ्यू बोल के डिक्लेयर किया है. और एक सेकंड ना, ये व्लॉग पूरा बाइक पे ही मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ क्योंकि मैं कहीं जा रहा हूँ और वो कहीं जाने का वीडियो मैं आपके लिए रिकॉर्ड करना चाहता हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि जनता कर्फ्यू के एक दिन पहले मुंबई की क्या अवस्था है. जिस रास्ते पे यू नो लोगों को चलने के लिए जगह नहीं थी, गाड़ी की आवाजाही मतलब हद के बाहर थी, आज वही रास्ते खाली पड़े हैं. आप देख सकते हैं ये भाईकला है, रानी साबाग जीजा माता उद्यान जिसके कहते हैं. ये रास्ता बहुत ही भीड़ भड़क्का वाला है क्योंकि ये रास्ता जाता है मोहम्मद अली रोड, ये रास्ता जाता है गिरगांव, बहुत से साउथ मुंबई के पार्ट पे ये रास्ता जुड़ता है. तो आप देख सकते हैं कि अभी इतनी गाड़ी की आवाजाही नहीं है, इतनी भीड़ भड़क्का नहीं है. दोपहर के अराउंड 4:30 बजे हैं, 4:15 4:30 के आसपास हुए हैं. अगर आप नॉर्मल दिनों पर आप ये रास्ते से गुजरे तो काफ़ी भीड़ होती है आने से के साइड में भी, जाने के साइड में भी. बट जनता कर्फ्यू के एक दिन पहले 22 तारीख को जो जनता कर्फ्यू है उससे एक दिन पहले आप देख सकते हैं मुंबई के सड़कों का क्या हाल है. क्या हाल है इन द सेंस, बहुत अच्छी बात है कि लोगों ने अपने घर पे रहना मुनासिब समझा, अपने घर पे रह के ही वो अपने काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम. बहुत सी कंपनियों का ऑलमोस्ट 99% कंपनीज को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है क्योंकि कल ही मतलब अराउंड 21 तारीख या 20 तारीख को ही हमारे मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे जी ने मुंबई शहद नागपुर पिंपरी चिंचवर और नवी मुंबई जैसे सिटीज़ को कंप्लीट लॉकडाउन पे रखा है जिसके चलते कोई भी दुकान, कोई भी शॉपिंग मॉल, कोई भी रिटेल, कोई भी चाय वाला, रास्ते का नुक्कड़ का चाय वाला भी आपको दिखाई नहीं देगा. सिर्फ और सिर्फ मेडिकल स्टोर्स और ग्रोसरी स्टोर्स और दूध के डेयरी चालू है क्योंकि ये सब चीज़ें अत्यावश्यक चीज़ों में आती है, आपको पता है. तो आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड में डोमिनो, स्मोकिंग जोन्स, डी मार्ट, सब के सब बंद है. मेरे लेफ्ट साइड में देखिए आप शॉपहोलिक, यू नो जूस सेंटर, जितने भी ये क्लियर रोड है भाईकला का. जो साउथ मुंबई से आप अगर वाकिफ होंगे तो ये देखिए दूध की डेयरी, जैसे मैंने बोला था दूध की डेयरी चालू है. बट बाकी जितने भी शॉप्स हैं, जितने भी शॉप्स, शॉपिंग वाले शॉप्स बोलिए, खान पीन वाले शॉप्स बोलिए, सब के सब शट डाउन है. देखिए क्या हाल है. इस रोड पे इतना ट्रैफिक होता है, इतना ट्रैफिक होता है कि यू नो मुंगी जो एंट होती है यू नो उसके स्पीड से बाइक चलती है या फिर कोई भी गाड़ी चलती है. बट आज देखिए कुछ भी नहीं है और लोगों में बहुत अवेयरनेस बिकॉज ऑफ यू नो ऑल थैंक्स टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ऑल थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट. फिलहाल कोरोना की स्थिति इंडिया में स्टेज 2 में पहुंची है. हम नहीं चाहते कि स्टेज 3 में जाएं जिससे बस ट्रेन भी शटडाउन हो जाए. तो बिकॉज ऑफ यू नो वॉट एवर इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, यू नो एंड द अवेयरनेस ऑफ पीपल दे हैव जनरेटेड, लोगों ने घर पे बैठना ही मुनासिब समझा है. एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट यू नो वी एज ए महाराष्ट्रियन आर टैकलिंग कोरोना वायरस एज अ सिचुएशन इन अ वेरी वंडरफुल मैनर. 31 मार्च तक सिचुएशन क्रिटिकल है ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है, विच इज़ ट्रू ऑल्सो. तो ये देखिए ये आया जमजम. मेरा आज का वीडियो रिकॉर्ड करने का तात्पर्य यही है कि आपको दिखा सकूं कि जनता कर्फ्यू के एक दिन पहले मुंबई के रास्ते कैसे दिखते हैं. मतलब हार्डली मैंने या आपने कभी मुंबई के ऐसे रास्ते देखे होंगे, इतने खाली खाली रास्ते, वो भी सैटरडे के दिन. इम्पॉसिबल गाइस, इम्पॉसिबल. तो बस यही दिखाना था कि लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस है, डर नहीं है, अवेयरनेस है. और इसके चलते यू नो मुझे आशा है, मुझे पता है कि हम लोग कोरोना जैसी स्थिति को, कोरोना जैसी डेडली वायरसेस को, तो कोरोना जैसी डेडली सिचुएशन जो आई है महाराष्ट्र में, मुंबई में, इंडिया में, यू नो उसको अच्छी तरीके से टैकल कर सकते हैं. तो बस ये वीडियो रिकॉर्ड करने का यही मेरा ऑब्जेक्टिव था. सो ऑन दिस नोट दिस इज़ हाईवे सेलर साइनिंग ऑफ.
take care and ride safe and be safe. And guys, see you in my next video. Till then, shabba khair, sat sri akal, tata, bye bye, namaste, Annie. See you in my next vlog.